उधर देखिए, पश्चिम बंगाल से एक महिला और पुरुष की पिटाई के वायरल वीडियो से ममता बनर्जी के शासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। महिला के साथ पिटाई करने वाले आरोपी जेसीबी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं देखिए, बीजेपी ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और ममता सरकार से इस्तीफा देने की मांग की। तो देखिए, बंगाल में महिला युवक की पिटाई पर अजीबोगरीब तर्क सामने आ रहे हैं। बीजेपी जंगल राज बता रही है तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि मणिपुर पर भी बात होनी चाहिए। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और यह कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये हर नागरिक के लिए पीड़ाजनक है, चिंताजनक है कि एक महिला मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वे अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट देती हैं। मैं समझती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मणिपुर की भी जो घटना थी, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह भारत की बेटियों का जो हाल हुआ है, मैं समझती हूँ उसमें भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए।